लास्ट टाइम हमने सरफेस टेंशन स्टार्ट की थी. सरफेस टेंशन आगे देखो प्लीज, बात बंद करो, आगे आ जाओ, सबसे आगे आ जाओ. देखो सरफेस टेंशन, बात बंद करो प्लीज. सरफेस टेंशन के अंदर मैंने बताया था सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो सरफेस एनर्जी का है, और कंपटीशन में अगर क्वेश्चन आया तो वो पक्का सरफेस एनर्जी का ही आएगा. मैं लास्ट टाइम के जो 10 मिनट से जो 10 मिनट हमने काम किया था, मैं एक बार फिर से उसको रिवाइज करवाना चाहता हूँ कि ये दो फ्री सर्फेसिस का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है. जो हमने लास्ट टाइम कॉन्सेप्ट किया था उसको रिवाइज करवा के टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स कौन से आते हैं इसमें, फिर हम न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे. ठीक, तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ. हमने लास्ट टाइम एक एक्सपेरिमेंट किया था. सबसे पहले डेफिनेशन आई थी सरफेस एनर्जी की. सरफेस एनर्जी से भी पहले एक डेफिनेशन थी सरफेस टेंशन की. सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ. फोर्स पर यूनिट लेंथ ये हमने किया था. एंड नेक्स्ट जो हमने कॉन्सेप्ट किया था वो सरफेस एनर्जी का था. सरफेस एनर्जी का मतलब है कि वर्क, दिस इज इक्वल टू वर्क डन इन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन सरफेस एरिया. आगे देखो प्लीज, डेफिनेशन थी दिस इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया अपॉन इंक्रीज इन सरफेस एरिया, और दिस इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिक्रीजिंग द सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय डिक्रीज इन सरफेस एरिया. ये हमने लास्ट टाइम किया था. पहला क्वेश्चन क्या था कि वर्क डन किसने किया? सरफेस एनर्जी को तो बाद में स्टडी करेंगे, पहले एक चीज को ध्यान से देखते हैं कि जब मैं बोल रहा हूं कि वर्क डन, तो वर्क डन किसने किया वर्क डन, और किस चीज का वर्क डन किया, किस चीज का किया वो तो आपको शायद समझ आ रहा है, बिकॉज हम इसमें क्या डिस्कस कर रहे हैं, वर्क डन इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया. तो इसमें सिर्फ दो ही क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे होंगे, या रादर तीन क्वेश्चंस आ रहे होंगे. एक, सरफेस एनर्जी एग्जैक्टली है क्या? दूसरा, वर्क डन किसने किया? तीसरा, एरिया अगर इंक्रीज या डिक्रीज हुआ तो किसका हुआ? ठीक, एक एक करके करते हैं. पहले वर्क डन की बात करते हैं. वर्क डन के केस में हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था. ये आपके सामने एक फिक्स्ड फ्रेम है, ये मूव नहीं कर सकता, स्टेशनरी है. इसके ऊपर आपने एक रॉड ली, ये रॉड की लेंथ थी एल. आपने क्या किया, इस पूरे, और ये रॉड मूव कर सकती है, ये जो रॉड है ये मूव कर सकती है आगे पीछे, और फ्रिक्शन इसमें है नहीं, फ्रिक्शन लेस है, आराम से मूव कर सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. यहां तक क्लियर है? ठीक, तो मैंने क्या किया मैंने क्या किया, इसके अंदर सोप का सॉल्यूशन, सोप के सॉल्यूशन में इस पूरे फ्रेम को मैंने डिप करके बाहर निकाल लिया. इट मींस कि जो पूरा फ्रेम है इसके अंदर क्या आ गया, सोप का सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन आ गया, सोप की फिल्म आ गई. और अगर आप इसको टच करोगे जोर की तो ये सोप सॉल्यूशन जो बबल है वो फट जाएगा. मैंने इसको खराब नहीं करना, बिल्कुल बिल्कुल इक्विलिब्रियम में सब कुछ हो रहा है, कोई हवा नहीं चल रही, कोई इसको टच नहीं करेगा, बिल्कुल सब कुछ स्टेशनरी है, सब कुछ सही है. तो ये सोप की फिल्म आ गई. सोप की फिल्म के अंदर क्या जाएगी, सरफेस टेंशन. हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी है लिक्विड की, जिससे लिक्विड अपने सरफेस एरिया को क्या करेगा, मिनिमाइज करेगा, कम करेगा. तो वही किया लिक्विड ने. तो लिक्विड ने इस रॉड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अब इसने एरिया मिनिमाइज करना है. किया तो इसको भी, पर ये चीजें मूव नहीं कर सकती, तीन साइड, एक साइड मूव कर सकती है, और वो मूव कर गई. यहां तक क्लियर है? मूव कर गई तो रॉड आपकी जहां पर है उससे थोड़ी सी इनसाइड आ गई, और कितनी इनसाइड आ गई, सपोज बाय अ डिस्टेंस ऑफ, ठीक है यहां तक. तो किसने, इस केस में क्योंकि रॉड अगर लेफ्ट साइड चली गई, इसका मतलब फोर्स इसी ने तो अप्लाई की, और किसने अप्लाई की, सरफेस टेंशन ने, मॉलिक्यूल्स ने अप्लाई की. ठीक, तो अगर मॉलिक्यूल्स ने फोर्स अप्लाई की, डिस्प्लेसमेंट एक्स हो गई, तो मॉलिक्यूल्स ने या सरफेस टेंशन ने कितना वर्क डन किया, एफ इनटू एक्स. तो ये वर्क डन किसने किया, सरफेस टेंशन ने किया. तो पहली चीज का आंसर मिल गया कि वर्क डन कौन करेगा, वर्क डन सरफेस टेंशन की फोर्स करेगी. पॉइंट नंबर वन इज क्लियर. और क्या करेगी,
एरिया को कम कर देगी, इस केस में डिक्रीज करेगी। ठीक है यहां तक ये चीज क्लियर है? और अगर मैं उल्टा करूं कि इस रॉड को मैं उल्टा खींच के यहां ले आऊं, क्योंकि सरफेस टेंशन की फोर्स तो एरिया को कम कर रही है और मैं क्या कर रहा हूं, इस एरिया को बढ़ा रहा हूं। ठीक, तो अगर मैं एरिया को बढ़ाऊं तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। लेकिन मैं वर्क डन क्या करूंगा, इन इंक्रीजिंग दी सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इंक्रीज करने में। तो मैंने दो डेफिनेशन लिखी थी, एक वर्क डन इन इंक्रीजिंग दी सरफेस एरिया और दूसरा वर्क डन इन डिक्रीजिंग दी सरफेस एरिया। अगर तो वर्ड डिक्रीजिंग आ गया तो वर्क डन किसने किया, सरफेस टेंशन ने, और अगर इंक्रीजिंग आ गया तो वर्क डन किसने किया, एक्सटर्नल फोर्स ने किया, मैंने किया। ठीक, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कभी एक्सपैंड तो होंगे नहीं अपने आप, सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को क्या करेगी, हमेशा मिनिमाइज करेगी, एरिया को एक्सपैंड नहीं कर सकती। यहां तक क्लियर है? तो ये एक पहला आंसर मिल गया कि वर्क डन कौन कौन करेगा, किस किस केस में कौन कौन से वर्क डन हो सकते हैं। दूसरा आंसर देखते हैं, दूसरे केस में क्या था कि वर्क डन सपोज इन डिक्रीजिंग दी सरफेस एरिया अपॉन डिक्रीज इन सरफेस एरिया, इसको हम क्या बोलते थे रेशियो को, सरफेस एनर्जी। वर्क डन कितना हुआ, एफ इंटू एक्स हुआ, एरिया कितना डिक्रीज हुआ, ये लेंथ एल है और ये डिस्टेंस एक्स है, तो इसका एरिया कितना हो गया, एल इंटू एक्स हो गया। ठीक हो गया, लेकिन एक्चुअल में कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कुछ और है। एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है कि मैंने इसको ऐसे इमेजिन करवाया था कि सपोज एक सोप की फिल्म है, मेरा हाथ सोप की फिल्म है, इमेजिन करो ये सोप की फिल्म अपने एरिया को मिनिमाइज कर रही है, ये सोप की फिल्म बड़ी है, रॉड को खींचेगी, अपने एरिया को मिनिमाइज कर रही है, लेट्स से मिनिमाइज कर रही है तो रॉड पास आ रही है। तो मैंने इसको ऐसे समझाया था कि सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी वाटर और एयर के इंटरफेस पे होती है, हमने डिस्कस किया, जहां पानी और हवा है उसके सरफेस के ऊपर ही फोर्स लगेगी, सरफेस टेंशन की आगे पीछे नहीं लगेगी, अंदर नहीं लगती, लिक्विड के अंदर जाके कोई सरफेस टेंशन नहीं, क्योंकि लिक्विड के अंदर जाके नेट फोर्स ऑन मॉलिक्यूल इज जीरो। लेकिन यहां पर मैं एयर का मॉलिक्यूल हूं, मैं इसको खींचूंगा, पानी का मॉलिक्यूल खींचेगा, पानी का मॉलिक्यूल जीत जाएगा, मैं हार जाऊंगा, तो ये इनवर्ट चला जाएगा। तो नेट फोर्स इसका मतलब है इसकी इनवर्ट, यही रीजन है सरफेस टेंशन का। तो सोप की फिल्म है, मेरे हाथ सोप की फिल्म है, मैंने बताया, सोचो ये पूरा रूम, रूम नहीं है, मैंने इसे इमेजिन करवाया था, ये मेरा हाथ है पूरे का पूरा, मतलब इतना मोट जो है, बहुत माइक्रोस्कोप के लेवल में देख रहे हो। तो इसमें मॉलिक्यूल्स ही मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स ही मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, सोप की फिल्म बहुत थिन होती है, पर अगर आप अंदर जाओगे तो उसमें लाखों मॉलिक्यूल दिखेंगे आपको। ठीक, तो वो मॉलिक्यूल्स क्या है, वो आप सब मॉलिक्यूल्स हो सोप की फिल्म में। ये आखिरी मॉलिक्यूल है इस तरफ से, इसके बाद एयर है, इसके बाद एयर है, और आप पानी के मॉलिक्यूल हो, आप पानी, आप भी, लेकिन जो आखिरी लाइन है वो उस एयर के कॉन्टेक्ट में है। तो मेरा हाथ दो तरफ से एयर के कॉन्टेक्ट में, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। तो ये वाले मॉलिक्यूल मेरे हाथ का ये वाला पोर्शन है, और वो वाले मॉलिक्यूल मेरे हाथ का ये वाला पोर्शन है, और बीच के मॉलिक्यूल मेरे हाथ के अंदर है, मैं दिखा नहीं सकता उसको। याद है, क्लियर है? तो हमने क्या डिस्कस किया था, और ये दीवार दीवार नहीं है, दीवार एक रॉड है, हम सब ने मिलकर इस रॉड को अपनी तरफ खींचने, ये इमेजिन किया हमने, और ये तीन दीवारें, ये तीन एंड्स, ये तीन दीवारें मूव नहीं कर सकती, मूव सिर्फ ये दीवार करेगी, ये रॉड करेगी। तो हमने डिस्कस किया कि अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करूं, इस मॉलिक्यूल को एयर खींच रही है, आप सब पानी के पार्टिकल्स खींच रहे हो, आप जीत जाओगे, आप इसको अंदर की तरफ खींचोगे, जब ये अंदर की तरफ जाएगा, ये अंदर की तरफ जाएगा, ये अंदर की तरफ जाएगा, तो ये सब रॉड को अंदर की तरफ खींच देंगे। रॉड क्यों आ रही है, क्योंकि ये सब इनसाइड 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 मूव कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एरिया को मिनिमाइज कर रहे हैं, तो उस वजह से ये सब रॉड को खींचेंगे। लेकिन अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करूं जो यहां बैठा है, ये कुछ नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि ये एयर के कॉन्टेक्ट में नहीं, इसको पानी का मॉलिक्यूल खींच रहा है, पानी पानी का, और पानी का नेट फोर्स इसके ऊपर, तो आप सब बैठे हो आराम से, आराम से बैठो। ऐसी आखिरी मॉलिक्यूल्स की बात करें, जो आखिरी मॉलिक्यूल्स हैं वो भी एयर के कॉन्टेक्ट में, आप सब अंदर वाले मॉलिक्यूल्स आखिरी वालों को खींचोगे, आखिरी वालों को खींचोगे तो रॉड अपने आप उस तरफ से भी खींच जाएगी। तो सरफेस टेंशन एक तो इस लेवल पे है, यहां पर नहीं, यहां पर नहीं, यहां पर नहीं, और सरफेस टेंशन दूसरी उस पॉइंट पर है। क्लियर है यहां तक? तो सरफेस टेंशन दो सरफेसेस पे एक्ट हो रही है, सोप के सॉल्यूशन के इस तरफ और सोप के सॉल्यूशन के
इस तरफ। तो हम क्या बोलते हैं इस क्वेश्चन में कि हमारे पास कितनी फ्री सर्फेसिस हैं? दो। फ्री सर्फेस वो होती है पानी की सर्फेस जो एयर के कॉन्टेक्ट में होती है। तो एयर के कॉन्टेक्ट में ये सर्फेस भी है, एयर के कॉन्टेक्ट में इसके पिछली सर्फेस भी है। तो कितनी सर्फेसिस एयर के कॉन्टेक्ट में? दो। कितनी सर्फेस टेंशन लग रही है? दो। सर्फेस दो है तो सर्फेस टेंशन भी दो है। ठीक है यहां तक? तो इसीलिए जो वर्क डन है, जो हमने एफ इंटू एक्स लिखा, मैं F को लिख सकता हूँ T into length, T into L, surface tension was force upon length, surface tension was force upon length, force is surface tension into length. तो मैंने T की जगह F की जगह क्या लिख लिया? F की जगह लिखा T into L into X divided by L into X. लेकिन अभी अभी हमने डिस्कस किया कि surface tension इस क्वेश्चन में एक नहीं होगी, surface tension इसमें दो होंगी, तो इसको टू से मल्टीप्लाई कर दिया। तो वर्क डन यानी कि ये मॉलिक्यूल्स भी कर रहे हैं वर्क डन, वो मॉलिक्यूल्स भी कर रहे हैं, तो डबल वर्क डन हो रहा है, इसलिए किससे मल्टीप्लाई किया? टू से। और एरिया देखो, ये मॉलिक्यूल्स कहते हैं कि हमने कितना एरिया चेंज किया? एल इंटू रॉड, अगर ये दीवार यहां से यहां आ जाती है, एक्स, एल इंटू एक्स, ऐसी एल इंटू एक्स, वहां पर भी एरिया चेंज हो गया, दोनों तरफ से हो गया, तो इसलिए एरिया के आगे भी क्या लगेगा यहां पर? टू। पॉइंट क्लियर है यहां पर? तो दोनों में टू टू क्यों लग रहा है? क्योंकि वर्क डन भी ट्वाइस है और एरिया इंक्रीज भी ट्वाइस है, तो यहां से टू टू एल एल ये सब कैंसिल, आंसर क्या आ गया? टी। तो इन दी एंड हमने एक चीज की, सरफेस एनर्जी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू सरफेस टेंशन। यहां तो क्लियर है, सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन में कोई फर्क नहीं है, एनी डाउट? ठीक है ना यहां तक? आगे इसकी एप्लीकेशन में मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, मैं फिर से एक बार उन क्वेश्चंस को रिवाइज करवाता हूं, क्योंकि इन दी एंड कॉम्पिटिशन में यही क्वेश्चन आएंगे, तो इसके ऊपर फिर हम ट्राई करते हैं क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन आएगा कि जैसे मैंने अपने माउथ से, मुंह से बबल को फुलाया, जब बबल नहीं फूला था तो रेडियस क्या था? जीरो। बबल बना दिया, बबल बनाया ऑफ रेडियस आर सपोज, तो बबल का एरिया पहले क्या था? जीरो, और फिर बाद में कितना हो गया? फोर पाई आर स्क्वायर। तो इंक्रीज इन एरिया क्या हुआ? इंक्रीज इन एरिया इज इक्वल टू फोर पाई आर स्क्वायर। ठीक हो गया इंक्रीज इन एरिया। तो क्वेश्चन आएगा, और ये जो बबल है इसकी सरफेस टेंशन टी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन इन इंक्रीजिंग दी एरिया डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन एरिया। तो उस केस में क्या होगा? वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन एक ही बात है, इज इक्वल टू टी इंटू इंक्रीज इन एरिया, या फिर टी इंटू इंक्रीज इन एरिया कितना है? फोर पाई आर स्क्वायर। यानी कि मेरे को कितना वर्क डन करना पड़ा? T into 4 pi r square। सोचो तीन लिक्विड्स हैं, A लिक्विड, B लिक्विड, C लिक्विड, तीनों को मुझे फुलाना है अपने मुंह से, तो मैं अपने मुंह से वर्क डन करूंगा, तो कितना वर्क डन करूंगा वो डिपेंड करेगा उनकी सरफेस टेंशन पे। एरिया तो सबका सेम रखना है मान लो मैंने, लेकिन वर्क डन तीनों केसेस में डिफरेंट होगा, क्योंकि हो सकता है तीनों लिक्विड्स का सरफेस टेंशन डिफरेंट। पॉइंट सबको समझ आ रहा है? तो उस केस में ये एग्जांपल है आपके सरफेस टेंशन का। ठीक है यहां तक? फिर दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल जो हमने किया था वो क्या किया था कि ड्रॉपलेट्स के क्वेश्चन तो पक्का आएंगे, 100% आएंगे, कि आपके पास कुछ ड्रॉप्स गिवन होंगे, जैसे मान लो 8 ड्रॉप्स हैं, 8 ड्रॉप्स हैं, 8 ड्रॉप्स कंबाइन होके बड़ा ड्रॉप बन गया। ये जो 8 ड्रॉप्स हैं इनका आर रेडियस आपको गिवन है। तो सबसे पहले जब ड्रॉप कंबाइन हो गए तो 8 इंटू 4 बाई 3 इंटू पाई इंटू स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल टू 4 बाई 3 इंटू पाई इंटू कैपिटल आर क्यूब। तो यहां से मुझे एक चीज पता है, स्मॉल आर गिवन है तो कैपिटल आर कैन बी कैलकुलेट, तो कैपिटल आर आ गया। याद है? क्लियर है? तो बड़ा रेडियस आ गया। क्वेश्चन आएगा कि सपोज करो छोटे छोटे ड्रॉप मिलकर बड़ा ड्रॉप उन्होंने बना लिया, तो एक चीज याद रखना, छोटे ड्रॉप्स को इकट्ठा अगर आप रखोगे ना टेबल पे कि मिल जाए, बड़ा ड्रॉप अपने आप बन जाएगा, पानी हमेशा मिलने की कोशिश करता है, लेकिन बड़ा ड्रॉप अगर पड़ा हुआ है उसको आपने क्या करना है? तोड़ना है, तो आपको हाथ से क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। मारोगे जोर की वर्क डन करोगे तो वो टूटेगा, छींटे गिरेंगे, ड्रॉप्स बनेंगे, आपने वर्क डन किया। ये चीज क्लियर है? तो इस मींस कि अगर छोटे ड्रॉप्स बड़ा ड्रॉप में बनेंगे मेरे को कुछ नहीं करना, बस उनको कॉन्टेक्ट में ले आना है, अपने आप बड़ा ड्रॉप बन गया। और ऐसे केस में वर्क डन करना नहीं पड़ता, वर्क डन या फिर एनर्जी
रिलीज होती है। देखो दो ही प्रोसेस होते हैं, या तो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी या एनर्जी रिलीज होगी, रिवर्सिबल प्रोसेस कुछ ऐसा ही होता है। अगर तो ड्रॉप को तोड़ना है तो मान लो मैंने 10 जूल की एनर्जी दी ताकि बड़ा ड्रॉप छोटे ड्रॉप्स पे टूट जाए, ठीक। उल्टा भी ट्रू है, अगर छोटे ड्रॉप्स मिल जाएं, बड़ा ड्रॉप बन जाए तो उस केस में 10 जूल की एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है यहां तक। तो क्वेश्चन दो ही टाइप्स में आएंगे, या तो आएगा फाइंड द एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज वर्ड तब आएगा जब ड्रॉप्स मिलेंगे, या फिर क्वेश्चन आएगा फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन, वर्क डन का क्वेश्चन तब आएगा जब ड्रॉप को आप तोड़ोगे। तो पहला केस है कि मान लो आपने ड्रॉप्स को मिलाया, बड़ा ड्रॉप बना। मैथ्स का कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली इन 8 ड्रॉप्स का एरिया क्या होगा, एरिया 8 × 4π, ये ना बड़े ड्रॉप का एरिया 4π, ये ना ठीक। और ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, 8 ड्रॉप्स का एरिया इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 ड्रॉप का एरिया। अगर ड्रॉप्स मिल जाते हैं ना और बड़ा ड्रॉप बनता है तो छोटे छोटे ड्रॉप्स का सरफेस एरिया हमेशा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू बड़े ड्रॉप का एरिया। हाँ, वॉल्यूम दोनों का क्या रहता है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है यहां तक याद रहेगा। तो इसका मतलब कि जब ड्रॉप्स मिलते हैं तो एरिया इंक्रीज हुआ कि एरिया डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, एरिया डिक्रीज हुआ। तो मैं कितना एरिया डिक्रीज हुआ, जितना मैंने लिखा यही एरिया डिक्रीज हुआ, ठीक है यहां तक। और ये स्मॉल आर नहीं, ये अच्छा कैपिटल आर ही था, कैपिटल आर स्क्वायर, इतना एरिया डिक्रीज हुआ। तो क्वेश्चन आएगा गिवन सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, पानी की सरफेस टेंशन आपको गिवन होगी, कहेगा बताओ कितनी एनर्जी रिलीज हुई थी इस प्रोसेस में जब 8 ड्रॉप्स एक ड्रॉप बना था। तो आप क्या करोगे, एनर्जी वर्क डन या एनर्जी एक ही बात है, एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड डिवाइडेड बाय व्हाट, डिक्रीज इन एरिया। एनर्जी कब रिलीज होती है, जब एरिया क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो उस केस में एनर्जी रिलीज्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, टी इंटू डिक्रीज इन एरिया, जो कि कितना था 8 × 4π स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 4π कैपिटल आर स्क्वायर, ये एनर्जी रिलीज हो गई। फिर आगे कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है इतनी एनर्जी रिलीज हुई किसको मिली, बड़े ड्रॉप को मिली, क्योंकि जब ड्रॉप्स मिले एक बड़ा ड्रॉप बना, बड़ा ड्रॉप बना उसको ये एनर्जी मिली, उसको ये एनर्जी मिली, लेट से उसने मूव करना शुरू कर दिया, इस एनर्जी से उसे चलना शुरू कर दिया। तो जब वो चला उसकी वेलोसिटी क्या है, तो आपने कुछ नहीं करना, दिस एनर्जी जो भी आंसर आया इसको हाफ इंटू मास ऑफ बड़ा ड्रॉप इंटू वेलोसिटी ऑफ बड़े ड्रॉप स्क्वायर से इक्वेट कर दो। ये एनर्जी लेट से किस फॉर्म में आ गई, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यहां से सॉल्व करके वी कैन बी कैलकुलेट। वो बात की बात है एनर्जी से क्या करना है, बट कॉन्सेप्ट क्लियर है कि एनर्जी कैसे रिलीज करवानी है, समझ आ रहा है यहां तक शुभम, शुभम समझ आ रहा है। और उल्टा भी ट्रू है, क्या अगर बड़ा ड्रॉप है, कैपिटल आर रेडियस गिवन है, 8 छोटे ड्रॉप्स बना दिए मैंने, आपको इसका रेडियस गिवन होगा, आपको इसका रेडियस निकालना पड़ेगा, कैसे निकालोगे एग्जैक्टली, सेम तरीका है, इनका वॉल्यूम इक्वेट कर लो, वॉल्यूम इक्वेट करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी, फ्रॉम दिस आर कैन बी कैलकुलेटेड, आ गया रेडियस। फर्क ये है कि आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि अगर तोड़ना है ड्रॉप को तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क, आपने कितना वर्क डन किया वो निकालना है। सरफेस टेंशन आपको पता होगी, सरफेस टेंशन या सरफेस एनर्जी एक ही बात है, सरफेस एनर्जी क्या होती है, वर्क डन अपॉन, यहां पर क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। इंक्रीज क्यों, क्योंकि बड़े ड्रॉप का सरफेस एरिया छोटा होता है और छोटे छोटे ड्रॉप का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें। तो इस केस में इंक्रीज इन सरफेस एरिया जहां लिखा हुआ है वहां पर पहले अब नया सरफेस एरिया कितना है, 8 × 4π स्मॉल आर स्क्वायर, और पहले कितना था 4π कैपिटल आर स्क्वायर, एरिया चेंज तो उतना ही होगा, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, बस वर्ड या तो डिक्रीज आ जाएगा या वर्ड इंक्रीज आ जाएगा, फ्रॉम दिस वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड। यहां तक क्लियर है, समझ आ गया ना यहां तक। अब करें इसके न्यूमेरिकल्स, कैसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है। खोलो न्यूमेरिकल असाइनमेंट, देखो करें स्टार्ट।
पहला क्वेश्चन हो गया। यही करो, अब सेकंड ही करो, पहले अभी अभी की है। क्वेश्चन नंबर टू देखो, लिक्विड ड्रॉप ऑफ डायमीटर कैपिटल डी ब्रेक्स अप टू 27 टाइनी ड्रॉप्स, फाइंड चेंज इन एनर्जी। देखो एक लिक्विड ड्रॉप है, कैपिटल डी डायमीटर है, आगे देखो प्लीज, इसको छोटे छोटे ड्रॉप्स में मैंने तोड़ लिया, और कितने ड्रॉप्स में तोड़ लिया, 27 ड्रॉप्स में तोड़ लिया। लेट से इसका डायमीटर छोटा डी है, ठीक, तो बड़ा डी और छोटे डी में रिलेशन क्या बनेगा, 4/3 इंटू पाई इंटू इसका रेडियस क्या होगा, कैपिटल डी बाई टू का क्यूब इज 27 टाइम्स 4/3 पाई इंटू आर का क्यूब, आर की जगह स्मॉल डी बाई टू, ठीक है ना, यहां तक रेडियस की जगह डी बाई टू पुट कर लिया मैंने, तो यहां से सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, और यहां से कैपिटल डी इज इक्वल टू 3 इंटू स्मॉल डी, या स्मॉल डी इज इक्वल टू कैपिटल डी डिवाइडेड बाई 3, ठीक है यहां तक। तो मेरे पास छोटे ड्रॉप्स का क्या आ गया, डायमीटर आ गया, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में कैपिटल डी गिवन है, तो मेरा फाइनल आंसर भी कैपिटल डी की फॉर्म में ही आना चाहिए, यहां तक क्लियर है। तो इस केस में मैंने क्या निकाल लिया, छोटा छोटे ड्रॉप का डायमीटर निकाल दिया सॉल्व करके, यहां तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें, ठीक। नेक्स्ट देखो, अब क्या पूछा क्वेश्चन में, फाइंड दी वर्क डन चेंज इन एनर्जी, ठीक है ना, क्योंकि आपने इसके ऊपर वर्क डन किया, अगर आप जो भी वर्क डन दोगे इसे, वही इसकी क्या आएगी, चेंज इन एनर्जी, इट मींस आपको वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन क्या होता है, सरफेस टेंशन टी इंटू वर्क डन या एनर्जी, जो मर्जी बोल लो, वर्क डन या एनर्जी डिवाइडेड बाई चेंज इन सरफेस एरिया। 27 ड्रॉप्स का एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा, 27 ड्रॉप्स का एरिया क्या होगा, 4 पाई इंटू स्मॉल डी बाई टू का स्क्वायर, ठीक, माइनस एक ड्रॉप का कितना था, 4 पाई इंटू कैपिटल डी बाई टू का स्क्वायर, ठीक है ना, 4 पाई आर स्क्वायर होते हैं, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी आंसर। और हाँ, स्मॉल डी की जगह जहां पर आएगा वहां आपने क्या पुट कर लेना, कैपिटल डी बाई, तो जो आएगा वो फाइनल आंसर है, हो जाएगा सॉल्व, सिंप्लीफाई करना है इसके बाद, एलजेब्रा है, ठीक बोल रहा हूं यहां तक, कुणाल, ठीक है, तो यहां से आंसर निकाल लेना, जो भी आएगा वो फाइनल आंसर है।
ठीक है यहां तक? ठीक, ओके, नेक्स्ट करते हैं। इसका फाइनल आंसर मैंने दिया हुआ है शायद आपके उसमें आंसर शीट में, जो मैंने सॉल्यूशंस की शीट बांटी थी उसमें फाइनल आंसर गिवन है। क्वेश्चन नंबर ये नहीं होगा आपसे, आप क्वेश्चन ये कर लो, फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन देखो। चेक सॉल्व करो फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन है कैलकुलेट फोर्स रिक्वायर्ड टू टेक अवे अ प्लेट ऑफ रेडियस गिवन फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस टेंशन वाटर की गिवन है। एक प्लेट जिसका रेडियस गिवन है, प्लेट को कहां रखा? प्लेट को रखा मैंने पानी के ऊपर, किसी लिक्विड के ऊपर, लिक्विड की सरफेस से उसको उठाना है। अब लिक्विड क्या कर रहा है? लिक्विड के अंदर सरफेस टेंशन है, वो अपने एरिया को मिनिमाइज कर रहा है, मिनिमाइज कर रहा है तो मॉलिक्यूल्स को नीचे की तरफ खींच रहे। अब जब नीचे की तरफ खींच रहे तो जो प्लेट है वो भी नीचे की तरफ जा रही है, तो आपको उसको उठाने में वर्कडन निकालना है, तो एक आपको क्या करना पड़ेगा, सॉरी आपको फोर्स निकालनी है। तो जो फोर्स सरफेस टेंशन की होगी वही फोर्स लगानी पड़ेगी आपको, ताकि आप सरफेस टेंशन की फोर्स को क्या कर सको, ओवरकम कर सको। और सरफेस टेंशन की फोर्स क्या होती है? फोर्स अपॉन लेंथ। अब प्लेट की लेंथ क्या होती है? 2πr। चाहे सरफेस कोई भी हो, इसके नीचे पानी है तो आपने हमेशा क्या लेनी होती है? लेंथ। क्योंकि जो सरफेस टेंशन है वो हमेशा क्या होती है? फोर्स पर यूनिट लेंथ होती है। अब मैंने कहा था ना कि लेंथ याद मत करना, 2L हर केस में डिफर करेगी। तो इस केस में जो आपने लेंथ लेनी है वो लेनी है सर्कमफेरेंस ऑफ अ प्लेट, जो कि क्या होगा? 2πr, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, f की वैल्यू आ जाएगी। अगर यही प्लेट एक रेक्टेंगल होती l और b लेंथ की, तो लेंथ की जगह 2 × l + b पुट करना था। यहां तक क्लियर है? तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट देख लो, फिफ्थ। गुब्बारा फुलाना है, बोला था ना जब गुब्बारा फुलाओगे तो वर्कडन लगेगा, बोलो कितना वर्कडन लगा? और आपको एक बबल को क्या करना है, 2 cm से 3 cm तक लेके जाना है। तो 2 cm से 3 cm का मतलब चेंज इन एरिया।
देखें आगे आंसर, ठीक है देखो, कैलकुलेट वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल फ्रॉम रेडियस 2 सेंटीमीटर टू 3 सेंटीमीटर, सरफेस टेंशन ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन। तो सबसे पहली चीज हमने इसमें क्या करनी है, सबसे पहले 2 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर तक मेरे को क्या करना है, उसका रेडियस इंक्रीज करना है। पहले एरिया कितना है, 4π × 2² बाद में 4π × 3² मैंने एरिया को क्या कर दिया, इसका मतलब इंक्रीज कर दिया, कितना इंक्रीज कर दिया, 4π × 3² माइनस 4π × 2², ठीक है। तो सरफेस एनर्जी या सरफेस टेंशन क्या होती है, वर्क डन अपॉन इंक्रीज इन एरिया। तो यहां से आप इसको सॉल्व कर लो, वर्क डन की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। आंसर आंसर शीट मिली, एक सेकंड चेक करता हूं, यहां से कोई बात नहीं चेक करता हूं, यहां से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वर्क डन इन इंक्रीज इन एरिया, सरफेस टेंशन किस में गिवन है, यूनिट चेक करना सरफेस टेंशन के, तो ठीक है फिर यहां से नहीं आ रहा, कितना आ रहा है, चलो ठीक है, इसका मतलब आंसर गलत होगा बट पॉइंट क्लियर है। करना क्या है इसमें, ओ यस बिल्कुल सही, इसमें गलती की मैंने भी, मैं ये तो सोप बबल है यार, अब बबल के अंदर कितनी सरफेस टेंशन है, 2 अंदर और बाहर, तो वर्क डन भी क्या लगेगा, डबल लगेगा, मुझे लगा ड्रॉप का क्वेश्चन है, तो ठीक है। तो इसको आंसर को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 2 × 4π × जो भी है, मींस जो वर्क डन आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, वर्क डन इज इक्वल टू T × 4π × 3² माइनस 4π × 2² और इसको फाइनल को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2, ठीक है ना, 18 को 2 से 36 और 35 के करीब आ गया, ठीक है। सोप बबल में क्योंकि वही सेम केस है ना, जब भी सोप बबल या सोप बबल का क्वेश्चन आएगा सरफेस टेंशन 2 लेनी है, ड्रॉप का क्वेश्चन आएगा सरफेस टेंशन 1 लेनी है, तभी पुराने क्वेश्चन में ड्रॉप था तो मुझे लगा ड्रॉप है तो मैंने 1 ही किया, बबल है तो 2 लेंगे। इसमें एक क्वेश्चन सॉल्व करो इसी बेस पे, ये देखना 12th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12th, ड्रॉपलेट्स ऑफ वॉटर ऑफ सरफेस टेंशन एस, ठीक है टी की जगह उसने एस ले लिया, ऑल ऑफ सेम रेडियस छोटा आर कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप, बड़ा ड्रॉप बन रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी, ऑफ बड़ा जो ड्रॉप बन रहा है ड्रॉप है इसमें रेडियस कितना है बड़ा आर, शो दैट राइजिंग टेम्परेचर ऑफ द वॉटर इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। अब राइजिंग टेम्परेचर क्यों हो रहा है, क्योंकि जब छोटे ड्रॉप मिलेंगे बड़ा ड्रॉप बनेगा, एनर्जी रिलीज होगी, जब एनर्जी रिलीज होगी तो उससे टेम्परेचर राइज हो जाएगा, टेम्परेचर कैसे राइज होगा वो थर्मोडायनेमिक्स का काम है, इसका फॉर्मूला मैं अभी आपको बताऊंगा, बट एनर्जी कितनी रिलीज हुई वो तो आपने कह सकते हो। तो एनर्जी रिलीज कैसे निकलेगी, वही सरफेस टेंशन टी इज वर्क डन या एनर्जी अपॉन चेंज इन एरिया, तो पहले एरिया निकाल लें,
एरिया कितना चेंज हुआ पहले वो देखते हैं। सबसे पहले बड़े ड्रॉप को एन ड्रॉप्स में कन्वर्ट किया तो वॉल्यूम दोनों का क्या रहेगा, सेम। यहां से बड़ा आर और छोटे आर का रिलेशन आ गया, यहां से बड़े आर और छोटे आर का रिलेशन आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, चेंज इन एरिया निकालना है। चेंज इन एरिया क्या होगा, बड़े ड्रॉप छोटे ड्रॉप्स का एरिया, छोटे का क्यों, क्योंकि छोटे ड्रॉप्स का एरिया इज ऑलवेज ग्रेटर देन सिंगल ड्रॉप का एरिया। क्योंकि मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसे कितने ड्रॉप्स थे, एन ड्रॉप्स, एक ड्रॉप बना दिया, तो इसका रेडियस कैपिटल आ रहा है, इसका रेडियस स्मॉल आ रहा है, एक तो वॉल्यूम इक्वेट कर दिया। फिर उसके बाद इसका एरिया एन इंटू फोर पाई स्मॉल आर स्क्वायर माइनस फोर पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये मेरे पास क्या आ गया, चेंज इन एरिया। यहां से फोर पाई कॉमन आ गया तो मेरे पास ये डिक्रीज इन सरफेस एरिया आ गया। इस स्टेप पे क्लियर है, ठीक, एरिया डिक्रीज हो रहा है तभी तो एनर्जी रिलीज होगी। फिर मैंने फॉर्मूला लगाया, सरफेस एनर्जी टी इज इक्वल टू व्हाट एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज डिवाइडेड बाय व्हाट डिक्रीज इन सरफेस एरिया। तो एनर्जी कितनी रिलीज हुई, टी इंटू डिक्रीज इन सरफेस एरिया, ठीक है ना, यहां तक। तो टी इंटू डिक्रीज इन सरफेस एरिया, और डिक्रीज इन सरफेस एरिया मुझे मालूम है ऊपर से, और सरफेस टेंशन की जगह क्वेश्चन में क्या पुट करने होगा, एस। तो टी की जगह क्या पुट करने है, एस, ठीक है यहां तक। यहां से इक्वेशन नंबर वन आ गई, इसको संभाल के रखना, ये एनर्जी रिलीज का काम खत्म हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, राइज इन टेम्परेचर। जो पार्ट अब मैं करवाने जा रहा हूं वो नेक्स्ट यूनिट हमारा थर्मोडायनेमिक्स है, उसमें हम रोज किया करेंगे, पर क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करना ही है तो मेरे को बताना पड़ेगा कि राइज इन टेम्परेचर कैसे निकलता है, ठीक है यहां तक। और फिर एनर्जी रिलीज तक आ गया समझ, कितनी एनर्जी रिलीज हुई, इक्वेशन नंबर वन तक एनर्जी रिलीज हुई। आपने सुना होगा कि अगर एक कोई सब्सटेंस है एम जिसकी स्पेसिफिक हीट है सी और उसका राइज इन टेम्परेचर हो गया डेल्टा टी, तो अगर किसी भी सब्सटेंस का राइज इन टेम्परेचर डेल्टा टी करवाना है तो उसको क्या देनी पड़ेगी, हीट, और जो हीट देनी पड़ती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एम सी डेल्टा टी। सबने सुना हुआ है, कोई ऐसा तो नहीं जिसे नहीं सुना हुआ, टेंथ नाइन्थ में शायद थोड़ा बहुत होगा ये, ठीक है, केमिस्ट्री में होगा, चलो फिजिक्स में तो बहुत ही डिटेल में आएगी। तो एम सी डेल्टा टी अभी याद करते हैं, ठीक। तो बड़ा ड्रॉप है उसका मास मान लो एम है, क्योंकि एनर्जी किसको देनी है, बड़े ड्रॉप को, ताकि टेम्परेचर किसका राइज हो, बड़े ड्रॉप का, मास बड़े ड्रॉप का, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो भी होगी, इनटू डेल्टा टी राइज इन टेम्परेचर। डेल्टा टी लगाना है, डेल्टा टी लगा लो, कईयों में डेल्टा थीटा होता है, डेल्टा थीटा लगा लो, एक ही बात है, डेल्टा थीटा भी राइज इन टेम्परेचर, डेल्टा टी भी राइज इन टेम्परेचर, ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें। तो इतनी एनर्जी रिलीज हुई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे जो वाटर का ड्रॉप है बड़ा ड्रॉप उसको कितनी हीट चाहिए, एम सी डेल्टा थीटा चाहिए, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, अब जरा ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला कि जो हीट बड़े ड्रॉप को चाहिए एम सी डेल्टा थीटा चाहिए, एम का मतलब क्या बोला मैंने, ये हीट किसको मिली, मास ऑफ बिग ड्रॉप, ठीक है ना। तो मास का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, समझ आया, मास की जगह हमने क्या पुट कर लिया, वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इनटू डेंसिटी। ड्रॉप किसका बना हुआ है, पानी का, पानी की डेंसिटी 1 सीजीएस में, सही यहां तक। और लास्ट स्पेसिफिक हीट, ये आपको थर्मोडायनेमिक्स में सिखाएंगे, जो स्पेसिफिक हीट होती है वाटर की सीजीएस में वो 1 होती है, अच्छी बात है ना, याद नहीं करनी पड़ती, डेंसिटी भी 1 है, स्पेसिफिक हीट भी 1 है, लेकिन जो 1 है वो इसके यूनिट्स क्या होते हैं, कैलरी, कैलरीज, स्पेसिफिक हीट के यूनिट्स क्या होते हैं, क्यू क्या होता है, एम सी डेल्टा थीटा, सी क्या होता है, क्यू डिवाइडेड बाय एम इनटू डेल्टा थीटा। हीट किस में मेजर करते हैं, कैलरीज में, मास किस में, या तो केजी में या फिर ग्राम में, और ये केल्विन में या डिग्री सेल्सियस में, यूनिट्स आ गए, ठीक। और एक चीज आखिरी और सुन लो, इसकी खैर जरूरत नहीं है पर वैसे बता दिया मैंने, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। थर्मोडायनेमिक्स में जब हम हीट की बात करते हैं, हीट हमेशा किस में मेजर की जाती है, कैलरी,
पर हमने अभी तक सारी एनर्जीज किसमें मेजर की हैं? जूल्स में। तो याद रहे, कैलोरी कैन बी कन्वर्टेड इनटू जूल्स, जूल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैलोरीज। कैसे? जैसे अगर मान लो 10 जूल्स है, इसको मुझे कैलोरी में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूं, 10 को किससे डिवाइड करूं? 4.2 से, 4.1 समथिंग या 4.2 अप्रोक्सीमेटली डिवाइड करूंगा, तो मेरा आंसर किसमें आ जाएगा? कैलोरी में। और अगर मान लो 12 कैलोरीज गिवन है, जूल में कन्वर्ट करना है, तो 12 इंटू 4.2 जूल। ठीक है, याद रहेगा यहां तक? 4.2 फैक्टर जिसको बोलते हैं, और कई बुक्स इसको 4.2 नहीं लिखती, कई इसको जे लिखती हैं, जे फैक्टर, जूल फैक्टर। ठीक है ना, जूल इक्विवेलेंट जिसको आपने सुना होगा केमिस्ट्री में, जूल इक्विवेलेंट। तो ये स्टेप क्लियर है? तो अगर किसी बुक में 4.2 की जगह जे लिखा हुआ है तो भी ठीक है, ठीक है यहां तक? और किसी बुक में अगर 4.2 लिखा है तो भी सही है। मैं ये क्यों सिखा रहा हूं? क्योंकि जब हम Q is MC डेल्टा थीटा लगाते हैं तो यूनिट्स कैलोरीज में आते हैं, क्योंकि Q निकल रहा है। और अगर हम सरफेस टेंशन से जो हमने एनर्जी निकाली थी, वो एनर्जी जूल्स में निकलती है। बात समझ में आ रही है? ऐसा क्यों हो रहा है? मिसमैच है। कायदे से तो कुछ भी नहीं करना है इसमें। वैसे तो मेरे को क्या करना है, ये मैंने एनर्जी निकाली थी ड्यू टू सरफेस टेंशन, इतनी एनर्जी रिलीज होगी और वो किसको मिल जाएगी? बड़े ड्रॉप को मिल जाएगी। बड़े ड्रॉप को किस फॉर्म में मिलेगी? एमसी डेल्टा थीटा की फॉर्म में मिलेगी। पर मैं इनको ऐसे कैसे इक्वेट कर दूं? अगर मैं इसको सीधा एमसी डेल्टा थीटा से इक्वेट कर दूंगा तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि ये अभी चल रहा है किसमें? जूल में। ये किसमें चल रहा है अभी? कैलरी में। या तो इसको जूल वाले फैक्टर को कन्वर्ट कर लो कैलरी में, या कैलरी वाले फैक्टर को कन्वर्ट कर लो जूल में, तभी बात बनेगी। तो वही किया, क्या किया? ये हीट जो मैंने लिखा था एमसी डेल्टा थीटा या थीटा एक ही बात है, मास ऑफ बिग ड्रॉप 4/3πr³ इनटू डेंसिटी कितनी है पानी की? 1। स्पेसिफिक हीट कितनी है? 1 इसकी, वाटर की। लेकिन याद रहे, 1 स्पेसिफिक हीट कैलोरीज में होती है, तो हीट के यूनिट्स भी किसमें आ गए? कैलोरीज में। ये स्टेप क्लियर है? तो मैंने हीट निकाल ली, इतने कैलोरीज हीट आ गई, पर मैंने क्या कहा, हम कैलोरीज में काम नहीं करेंगे, हम किसमें काम करेंगे? जूल्स में। इसीलिए ऊपर वाले क्वेश्चन को या इस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? जे से। जे से मल्टीप्लाई करने का मतलब मेरा आंसर किसमें कन्वर्ट हो गया? जूल्स में। समझ आया ये जे क्या कर रहा है बीच में? ठीक है ना, यहां तक बस आंसर आ गया, उसके बाद कुछ भी नहीं करना। ये मेरे पास हीट आ गई जो किसको चाहिए, जो बड़े ड्रॉप को चाहिए, इतनी हीट चाहिए। कहां से मिलेगी? सरफेस टेंशन से जो एनर्जी रिलीज होगी वही हीट मिलेगी। तो इन दोनों को अब मैं क्या कर सकता हूं? इक्वेट। इक्वेट इसलिए कर सकता हूं क्योंकि दोनों को यूनिट्स क्या चल रहे हैं? जूल्स। समझ में आई बात? पॉइंट सबको समझ में आ रहा है? देखो, मैंने ये बताया कि एक बिग ड्रॉप है, ड्रॉप बन गया। जब ड्रॉप बना तो इसको एनर्जी मिल गई। कैसे मिली एनर्जी? क्योंकि छोटे छोटे ड्रॉप जब मिले, बड़ा ड्रॉप बना। इसको कितनी एनर्जी मिली थी? कुछ इस फॉर्म में एनर्जी मिली थी, ऐसी था ना? ठीक है, इतनी एनर्जी मिल गई थी। ये एनर्जी से क्या हुआ? इस एनर्जी से टेम्परेचर राइज हो गया। कितना राइज हो गया? इसका मास अगर m है, m इंटू स्पेसिफिक हीट c इंटू थीटा, इक्वेट कर दिया मैंने। पर मैं ये कह रहा हूं कि इक्वेट में कर नहीं सकता, करना चाहता हूं, मुझे पता है कि ये एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो गई, पर प्रॉब्लम है कि ये इसके यूनिट किसमें चल रहे हैं? जूल्स में। पर इसके यूनिट किसमें चल रहे हैं? कैलोरी में। तो मैंने क्या किया, एमसी थीटा को जे से मल्टीप्लाई कर लिया। जे का मतलब 4.2 मल्टीप्लाई कर लिया, 4.2 जे कुछ नहीं होता, केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है 4.2 जे जूली हो गया, कोई तो मैं कह रहा हूं। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं अगर हम न्यूमेरिकल्स करते तो हम जे की जगह 4.2 पुट कर दे तो आंसर जूल में आ जाता। मल्टीप्लाई करने के बाद जूल में यूनिट्स आ जाते। ये यूनिट्स नहीं है जे? नहीं नहीं नहीं, ये जे फैक्ट। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया, आप ये कह रहे हो कि ये जूल में कन्वर्ट हो गया। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं जे की वैल्यू है 4.2, हाँ यूनिट जूल्स में आ गए। अच्छा, ऐसे लिख दूं,
इसको ऐसे लिख देता हूं, अगर कंफ्यूजन हो रही है मल्टीप्लाई कर दो जे के साथ, एंड में लिख दो, अब ठीक है, इतने जूल्स, ठीक है ना। और राइट साइड पे ऑलरेडी किस में चल रहा है, जूल में ही इक्वेशन चल रही है, इसके पीछे भी लिखना पड़ेगा जूल्स। तो फिर इसके पीछे भी लिख दो लो, अब ठीक है। सेंटीमीटर्स में ओके, कोई बात नहीं, अगर सेंटीमीटर्स में है तो ऐसा कर लो, फिर ऐसा कर लो, ये पूरा टॉपिक, चलो ऐसे कर लो, अगर सेंटीमीटर में गिवन है तो एस इंटू एन इंटू फोर पाई आर स्क्वायर माइनस फोर पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। अगर ये किस में चल रहा है, सेंटीमीटर, तो एनर्जी किस में आएगी, सॉरी अर्ग्स में आएगी, अर्ग्स में आ गई। ये किस में चल रहा है, कैलोरीज में, तो भी इसको आप एक काम करो, इसको जे से मल्टीप्लाई कर लो ताकि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, अर्ग्स में। अब आप कहोगे सर ये जे की वैल्यू क्या होगी, अब जे की वैल्यू इसमें 4.2 नहीं होगी, 4.2 इंटू 10 की पावर माइनस 7, नहीं मैं कैलरी को अर्ग में कन्वर्ट करवा रहा हूं, मैं डाइंस नहीं, मैं इसमें अर्ग्स को मैं डाइंस में थोड़ा कन्वर्ट कर रहा हूं, मैं कैलरी को कन्वर्ट कर रहा हूं किसमें, अर्ग्स में। 4.2 अच्छा देख लेता हूं, पता नहीं मुझे, देखो स्पेसिफिक हीट क्या थी अभी देखते हैं। अभी जो फॉर्मूला हमने किया था क्यू का, हीट का, वो क्या किया था, हीट इज इक्वल टू एम सी डेल्टा थीटा, ठीक है। फिर हमने ये कहा कि ये जो यूनिट्स हैं वो किस में चलेंगे, कैलोरी में चलेंगे, ठीक है ना यहां तक। और इसमें स्पेसिफिक जो क्यू है वो नॉर्मली कैलोरीज में चलता है, और कैलोरी में कैसे आता है, कैलोरी में ऐसे आता है ये आंसर कि अगर सपोज करो मास किस में चल रहा है, केजी में, स्पेसिफिक हीट सी है, डेल्टा थीटा है, तो मेरे यूनिट्स किस में चल रहे हैं, कैलोरी में, ठीक है ना। अगर मुझे किस में कन्वर्ट करने हैं, अर्ग्स में, जैसे अभी मैं जूल्स में कन्वर्ट कर रहा था, और जब मैं जूल्स में कन्वर्ट कर रहा था तो मैंने बताया था कि जूल्स में जब कन्वर्ट करते हैं तो जैसे 10 कैलोरी गिवन है तो 10 इंटू क्या करते हैं, 4.2 जूल करते हैं, ये आंसर आएगा। अब मेरे को क्या करना है, क्योंकि सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है, जूल में नहीं करना, तो मैं क्या करूंगा, मैं केजी को किस में कन्वर्ट करूंगा, ग्राम्स में, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, जो मेरी स्पेसिफिक हीट है सी, वो भी किस में चलेगी, ग्राम्स में चलेगी, क्योंकि अगर ये केजी में है तो ये भी पर केजी चलता है, ये ग्राम है तो ये भी पर ग्राम चलता है, टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अल्टीमेटली किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 की पावर 3 से। आपने सुना होगा 4200, केमिस्ट्री में कभी टर्म यूज किया है 4200, मतलब ऐसा यूनिट में काम करते हो, चलो कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, अभी इसके चक्कर में पड़ते नहीं है, 2 मिनट। थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले यही प्रॉब्लम है कि कब 4.2 लेना है, कब 4200 लेना है, वैल्यूज में थर्मोडायनेमिक्स में काम करेंगे। अभी टू अवॉइड कंफ्यूजन कि 4.2 था या 4200 था, कितना था छोड़ो, मुझे नहीं पता कितना था, हमें काम करते हैं, हमारे न्यूमेरिकल में जे वर्ड यूज किया हुआ है, जे का मतलब जो भी उसका इक्विवेलेंट होगा बस वो यूज करना है, चाहे वो 4.2 हो, चाहे वो 4.2 इंटू 10 की पावर 3 हो। हम अपना काम वेरिएबल में कर रहे हैं, तो हम बेसिकली क्या करने वाले हैं इसके अंदर, मैं यहां पर था, अगर तो ये जूल्स में है तो जे से मल्टीप्लाई करो, जे की जो भी वैल्यू होती होगी, टू कन्वर्ट कैलोरी इनटू जूल, बस जे लिख दो, अपने आप आंसर किसमें कन्वर्ट हो गया, जूल में, जूल से जूल कैंसल, तो ये आंसर आ गया। या फिर जैसे आपने कहा कि नहीं सब कुछ तो सेंटीमीटर में गिवन है, तो कोई बात नहीं, ये किसमें आ गया, अर्ग्स में, तो आप इसको जे से मल्टीप्लाई कर दो, जे जो भी इसकी वैल्यू होती होगी 4200 या 4.2 जो भी है, हम वैल्यू तो पुट नहीं कर रहे हैं, वेरिएबल में काम कर रहे हैं, तो जूल इक्विवेलेंट को मल्टीप्लाई कर दो, ऑटोमेटिकली आपका आंसर किसमें कन्वर्ट हो गया, अर्ग्स में।
लेकिन याद रहे जब न्यूमेरिकली करेंगे तो यहाँ वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट पुट करनी पड़ेगी, या तो एस आई के हिसाब से या फिर सीजीएस के हिसाब से। पर अभी तो जे की फॉर्म में आंसर निकाल लें तो सिंपली जे से मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप यहाँ पर क्या कन्वर्ट हो गया दोनों तरफ अक्स, हार्डली मैटर्स, आपके लेवल में कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी कर लो। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? मेन कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि अगर मैं एनर्जी रिलीज करूं तो वो एनर्जी किस फॉर्म में आ जाएगी, वो एनर्जी किस फॉर्म में आ जाएगी, हीट। और हीट के लिए मैंने क्या किया, एमसी थीटा, मास की जगह वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, स्पेसिफिक हीट 1 इनटू थीटा, इसको जे से मल्टीप्लाई किया, जूल्स मल्टीप्लाई किया, सॉरी इक्वेट किया दोनों को, ये एनर्जी रिलीज है, ये एनर्जी गेन्ड है, यहां से मुझे क्या निकालना है, थीटा निकालना है, तो ये थीटा आ गया। जब सॉल्व करोगे थीटा आएगा, राइज इन टेम्परेचर। अब इसके अंदर इसको ब्रेक कर लो, कैपिटल आर क्यूब इसके नीचे, कैपिटल आर क्यूब इसके नीचे, तो ये वैल्यू आ गई। और हमने शुरू में डिस्कस किया था कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल टू एन टाइम्स स्मॉल आर क्यूब, जो वॉल्यूम इक्वेट किया था, तो कैपिटल आर क्यूब की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, स्मॉल एम एन इंटू आर क्यूब, आंसर आ गया। जो प्रूव कर रहे हैं उसकी वैल्यू आ गई। हाँ, मैं ये समझ सकता हूं कि इसमें वैल्यू नहीं पुट की, इसमें हमने जे की फॉर्म में आंसर निकाल दिया। तो जे की फॉर्म में ये फायदा रहता है कि जो भी इसका जूल इक्विवेलेंट होगा वो ऑटोमेटिकली पुट कर लिया जाएगा, इरिस्पेक्टिव कि आंसर 4.2 में था या आंसर 4.2 10 की पावर 3 में था। ये चीज क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? पॉइंट सबको समझ आ रहे हैं? ठीक है, तो इसके अंदर ये समझ आ रहा है कि थर्मोडायनेमिक्स के साथ बीच में कैसे रोल आ गया इसका। ठीक, ठीक है, ये जैसे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका थ्योरी में, तीन तरीके की सरफेसेस होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, बुक देना, यही है ना, की सरफेसेस आपके बुकलेट में शो की गई हैं। एक सरफेस प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस है, दूसरी सरफेस कन्वेक्स सरफेस है, और तीसरी सरफेस कनकेव सरफेस है। इसको ऐसे समझते हैं, एक ट्यूब है, एक ट्यूब है, इस ट्यूब में लेट से पानी है, वाटर है। आप लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करते हो, केमिस्ट्री या कोई भी फिजिक्स लैब, उसमें ट्यूब के अंदर पानी है, आपको रीडिंग लेने को कहा गया। वाटर ऐसे होता है क्या आपकी ट्यूब में? नहीं, ऐसे नहीं होता। वाटर की शेप क्या होती है? ऐसे होती है, नीचे को होती है हमेशा, ठीक है ना। इस शेप को बोलते हैं मेनिस्कस। तो इसका मेनिस्कस प्लेन नहीं है, इसका मेनिस्कस लिक्विड का या तो कन्वेक्स होता है या फिर कनकेव होता है। या तो शेप किसी भी लिक्विड की प्लेन होती है या फिर इस फॉर्म में होती है या फिर इस फॉर्म में होती है। लिक्विड ऐसे है, ठीक, मतलब इसमें ऐसे है कन्वेक्स है और इसमें क्या है कनकेव है। ये तो नॉर्मल वाटर है, आम जो पानी होता है वो उसका कन्वेक्स शेप होती है, वो नीचे की तरफ होती है। अब कई लिक्विड ऐसे होते हैं जिनकी शेप उल्टी होती है, इस तरीके की होती है, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मरकरी। मरकरी अगर आप ट्यूब में डालोगे तो उसका मेनिस्कस उल्टा होगा, ठीक हो गया। और ये जो प्योर वाटर है या वाटर एट सर्टन टेम्परेचर, उसका मेनिस्कस प्लेन होता है। एट अ सर्टन टेम्परेचर या प्योर वाटर, नॉर्मल वाटर नहीं, आम पानी कन्वेक्स शेप में, नीचे की शेप में होता है। तो ये टॉपिक एक तो आपको शेप्स बता रहे हैं, दूसरा आपको एक और चीज बता रहे हैं, क्या
कि सपोज करो कि आपके पास एक बबल है, एक बबल है, आपने बबल फुला दिया, वो बबल जैसे फुला ड्यू टू सरफेस टेंशन एरिया क्या करेगा, मिनिमाइज 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 करता रहेगा। तो फिर मुझे एक चीज बताओ, बबल्स, मैं मानता हूं कि बबल बहुत देर तक टिकते नहीं है, फट जाते हैं, बट कुछ देर के लिए तो रहते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि बबल अगर कुछ देर के लिए भी है तो वो कैसे एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि वो तो अपना एरिया क्या कर रहा है, मिनिमाइज मिनिमाइज। फिर तो ऐसा होना चाहिए ना, एरिया मिनिमाइज 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 करता जाए छोटा होता जाए होता जाए होता जाए और फिर गायब हो जाए या फिर फट जाए। लेकिन कहीं पर आके तो बबल रुक जाता है। ऐसी पानी का ड्रॉप है, पानी के ड्रॉप के ऊपर सरफेस टेंशन है, अंदर के मॉलिक्यूल्स उसको खींच रहे हैं और अंदर खींच रहे हैं खींच रहे हैं, एक लेवल तक खींचते हैं, उसके बाद तो वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाता है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जैसे ही बबल छोटा हुआ, ठीक है, सरफेस टेंशन की वजह से वो छोटा हुआ, वैसे ही क्या उसके अंदर प्रेशर बढ़ गया? हाँ, सही है। आप अगर किसी भी जगह है नहीं, आप ऐसी किसी भी चीज को कंप्रेस कर दोगे, अब आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, सिलेंडर में गैस को कंप्रेस कर दोगे, जगह है नहीं, तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना? यहां तक यानी कि बबल को और छोटा होने से कौन रोकेगा? अंदर का प्रेशर। सही है ना? यहां तक तो अगला टॉपिक क्या है? प्रेशर। प्रेशर कितने बबल के अंदर, प्रेशर कितने ड्रॉप के अंदर, ये आपको निकालना है। और ये प्रेशर मैंने नहीं डेवलप किया, प्रेशर उसके अंदर अपने आप डेवलप हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो इसके अंदर क्या बताया हुआ है इस टॉपिक के अंदर, कि अगर आपका लीक्विड का जो शेप है वो कुछ कंकेव टाइप शेप है या कन्वेक्स टाइप शेप है, जैसा भी शेप है, उस केस में इस पॉइंट पर सरफेस टेंशन कैसी होगी? ऐसी होगी, टेंजेंट होगी। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि कर्व्ड सरफेस के ऊपर टेंशन टेंजेंशियल है, ऐसी इस पॉइंट के ऊपर भी कैसी होगी? कुछ ऐसे होगी। अब अगर और इस पॉइंट पर कैसी होगी? प्लेन, सीधी होगी ऐसे। इस पॉइंट पर, इस मॉलिक्यूल पर नेट फोर्स जीरो, ये जैसा है वैसे का वैसा ही है। इसमें नेट टेंशन कहां एग्जिस्ट करेगी? नीचे की तरफ। इसमें नेट टेंशन कहां एग्जिस्ट करेगी? ऊपर की तरफ। और अगर नेट टेंशन ऊपर की तरफ है तो नेट फोर्स भी, और ये फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है? सरफेस टेंशन, ठीक। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मान लो कनकेव शेप बॉडी है, तो अगर नेट फोर्स ऊपर की तरफ है तो वो ऊपर 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 हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता ना। अगर शेप ऐसी है तो वो टिक जाती है ना, जहां है वैसी की वैसी रहेगी। अगर मैं इस पॉइंट की बात मानूं कि किसी का मेनिस्कस कनकेव है या कन्वेक्स है, तो सरफेस टेंशन की फोर्स तो उसको ऊपर लेके जा रही है, और अगर ऊपर लेके जा रही है तो यहां से क्या लगना चाहिए? कोई प्रेशर, कोई प्रेशर लगना चाहिए ताकि उसको इक्विलिब्रियम में लाया जा सके, पॉइंट नंबर वन। उसी तरीके से अगर यहां नेट फोर्स नीचे है तो ये तो अपने लेवल को नीचे 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 ले जाएगा लिक्विड, तो इसके ऊपर फोर्स किस तरफ लगनी चाहिए या प्रेशर कहां लगना चाहिए? इस सरफेस पे, ताकि फिर से क्या मेंटेन किया जा सके? इक्विलिब्रियम मेंटेन किया जा सके। जहां तक मुझे लगता है इस डायग्राम से समझना थोड़ा मुश्किल है, मैं आपको इससे बेटर एग्जांपल दे देता हूं। फॉर एग्जांपल, आप इसको याद आ रहे डायग्राम्स हैं, इसकी जगह पूरा पूरा डायग्राम लेते हैं। जैसे ये बबल है, बबल अंदर से खाली है, मींस एयर है, हाँ यहां पर लिक्विड है, कोई बात नहीं। तो अगर बबल इनसाइड आने की कोशिश करेगा बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की वजह से वो छोटा होने की कोशिश करेगा, तो बबल के अंदर जो प्रेशर है वो कैसे एग्जिस्ट करेगा? आउटसाइड, ऐसे, कि बबल के इनसाइड का प्रेशर है। और एक टाइम ऐसा आएगा जब बाहर से दिस इज फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, एंड दिस इज प्रेशर ऑफ बबल इनसाइड अ बबल। अगर ये, और एक और चीज इसमें एक्ट कर रही है, और वो है एटमोस्फेरिक प्रेशर, जो इसको दबाने की कोशिश करता है। याद रहे, तीन चीजें साइमल्टेनियसली काम कर रही हैं। एक सरफेस टेंशन की फोर्स, दिस इज फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन मान लो, जो इस बबल को क्या करने की कोशिश करेगी? एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो तीन इसमें वैल्यूज ले लेते हैं, बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। पहली सरफेस टेंशन की फोर्स, जो क्या चाहती है? कि बबल छोटा हो जाए। दूसरी एटमोस्फेरिक प्रेशर पी नॉट,
पी ओ जो मर्जी बोल लो, जो क्या चाहता है, प्रेशर क्या चाहता है एटमोसफेयर का, कि बबल फिर से छोटा हो जाए, ये भी चाहता है, ये भी दबा रहा है बबल को। तो बबल छोटा होना शुरू हो गया, थोड़ा बहुत तो होगा ही होगा, लेकिन जैसे ही छोटा होगा बबल के अंदर अपना प्रेशर डेवलप हो जाएगा पी आई, ठीक, पी आई, बबल इक्विलिब्रियम में आ गया, बबल इक्विलिब्रियम में आ गया और रुक गया। और अगर इक्विलिब्रियम में आ गया तो इन दोनों ने, मान लो इसने प्रेशर लगाया, इसने प्रेशर लगाया, और मान लो सरफेस टेंशन की फोर्स को अगर मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि जो प्रेशर है दैट इज फोर्स अपॉन एरिया, और या फिर ऐसे करते हैं, यहां ऐसे कर लें, दिस इज प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन, एक ही बात है, एरिया वरिया से मल्टीप्लाई डिवाइड करके प्रेशर आ जाएगा, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, डिवाइड करना चाहिए था मुझे। अगर सरफेस टेंशन की फोर्स है तो समझो सरफेस टेंशन का प्रेशर भी है, या तो क्लियर है, अगर सरफेस टेंशन की फोर्स है कितने एरिया पे लग रही है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो समझो सरफेस टेंशन का प्रेशर भी है। अब ऐसे बात करते हैं, या तो देखो फोर्स में बात करते हैं या फिर प्रेशर में बात करते हैं, तो मैं प्रेफर करता हूं कि चलो प्रेशर में बात करते हैं। सरफेस टेंशन का प्रेशर चाहता है कि बबल छोटा हो जाए, एटमोस्फेरिक प्रेशर चाहता है कि बबल छोटा हो जाए, इनसाइड का प्रेशर डेवलप हो जाएगा जो इन दोनों को बैलेंस करेगा। और अगर इनसाइड का प्रेशर विल बी इक्वल टू, अगर पी नॉट प्लस पी टी हो जाए तो समझो बबल किसमें आ जाएगा, इक्विलिब्रियम। पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक है ना, यहां तक ऐसा ही होता है, कॉन्सेप्ट यही है कि प्रेशर जो अंदर का प्रेशर है वो हमेशा बाहर के प्रेशर्स से ज्यादा हो जाता है, और तभी आपका बबल या ड्रॉप, एक ही बात है, ड्रॉप के अंदर भी सेम कहानी है, ड्रॉप के अंदर प्रेशर आउटसाइड होता है, इसी को ड्रॉप समझ लो, एटमोस्फेरिक प्रेशर चाहता है कि ड्रॉप छोटा हो जाए, सरफेस टेंशन की फोर्स या प्रेशर चाहता है कि ड्रॉप छोटा हो जाए, लेकिन ड्रॉप का अंदर का प्रेशर चाहता है कि वो छोटा ना हो और इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है। तो इसका मतलब प्रेशर डेवलप होता है किसी भी बबल या ड्रॉप के अंदर, और वो इस डायग्राम से ज्यादा समझ आ रहा है, वो आधा डायग्राम था ना, तो आप समझ लो कि प्रेशर कैसे डेवलप हो रहा है, चीज इनक्लोज होगी तो ज्यादा समझ आता है कि प्रेशर ऐसे डेवलप हो रहा है। ज्यादा क्लियर है, कोई डाउट किसी को इसमें? अब मेन जो कॉन्सेप्ट है इसमें, डाउट है फिर से बता दो, एक बबल है, बबल वो एटमोस्फेयर चाहता है कि वो छोटा हो जाए, तो वो कितने प्रेशर लगा रहा है, पी नॉट। सरफेस टेंशन की फोर्स चाहती है कि बबल छोटा हो जाए, फोर्स है तो प्रेशर है, इतना प्रेशर सरफेस टेंशन। अगर आप किसी भी बंद चीज को छोटा करोगे, दबाओगे, तो उसके अंदर का प्रेशर डेवलप हो जाएगा, जैसे एक गैस को सिलेंडर में अगर कंप्रेस कर दोगे, अंदर का प्रेशर डेवलप हो जाएगा, तो लेट से कितना डेवलप हो गया, पी आई। बबल कभी ना कभी एक स्टेज पे आके रुक जाता है, और छोटा नहीं होगा और बड़ा नहीं होगा, लेट से वो स्टेज आ गई, वो इसलिए स्टेज आती है क्योंकि ये प्रेशर इन दोनों को क्या करता है, बैलेंस करता है, ठीक हो गया, या तो क्लियर है। अब नेक्स्ट टॉपिक सुनो, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सेस प्रेशर का, एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर क्या है, क्वेश्चन आएगा कि बताओ कि अंदर का प्रेशर मुझे मालूम है बाहर के प्रेशर से ज्यादा है, और बाहर का प्रेशर इज नोन एज एटमोस्फेरिक प्रेशर, तो बताओ कितना ज्यादा है। ऑब्वियसली जो अभी हमने इक्वेशन की थी वो पी आई किसके इक्वल था, पी नॉट प्लस प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन, और पी आई माइनस पी नॉट का मतलब अंदर का प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर से कितना ज्यादा है, इतना ज्यादा है, ये मुझे निकालना है, इसको बोलते हैं एक्सेस प्रेशर। एक्सेस का मतलब ज्यादा, और ज्यादा किससे ज्यादा, और किसका ज्यादा, किसका प्रेशर ज्यादा, इनसाइड प्रेशर ज्यादा, किसके साथ कंपैरिजन हो रहा है, एटमोस्फेरिक प्रेशर के साथ कंपैरिजन हो रहा है। तो आपको यह बताना है कि किसी भी बबल में अंदर का प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर से कितना ज्यादा है, यानी कि मुझे क्या निकालना है, पी आई माइनस पी नॉट। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लो, यही है एक्सेस प्रेशर का टॉपिक है, और समझ आया ये टॉपिक बीच में क्या कर रहा है, तब मुझे ये कैलकुलेट करके दिखाना है कि बबल का, बबल के अंदर एक्सेस प्रेशर क्या है और ड्रॉप के अंदर एक्सेस प्रेशर क्या है। क्लियर है टॉपिक, क्यों ये टॉपिक आया और क्या निकालना है इस टॉपिक में, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो प्लीज। आया मेरे किसी स्कूल में आया था अभी, एक नंबर या दो नंबर का क्वेश्चन, फॉर्मुला लिखना आया था, एक्सेस प्रेशर का फॉर्मुला आया था, सो बबल के अंदर 40 बाय आर, दो नंबर आया था ना, प्रूफ करना भी आ सकता है। तो देखो
तो इसमें एक्सेस प्रेशर के अंदर मैं क्या करने वाला हूं, सपोज करो एक मिनट के लिए कि कोई भी लेट से पहले लिक्विड ड्रॉप है, और प्लीज जहां लिक्विड ड्रॉप लिखा हुआ है उसको प्लीज अच्छे से स्टार लगा लो, ड्रॉप है, और अगली डेरिवेशन में सो वो जो है बबल है, इंपॉर्टेंट है। कई लोग ड्रॉप की जगह बबल कर देंगे, बबल की जगह ड्रॉप कर देंगे, गलत हो जाएगा। दोनों में बहुत बारीक डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम एक्सेस प्रेशर निकालने जा रहे हैं ड्रॉप के अंदर। ड्रॉप, ये ड्रॉप है, ये ड्रॉप है, तो कंसिडर लिक्विड ड्रॉप ऑफ टेंशन टी, रेडियस आर क्लियर है। पी आई का मतलब प्रेशर इनसाइड ड्रॉप, पी नॉट का मतलब प्रेशर आउटसाइड ड्रॉप। सपोज दैट ड्रॉप का जो रेडियस है इंक्रीजेस फ्रॉम आर टू आर प्लस डेल्टा आर। अब ये इंक्रीज क्यों हो गया? देखो, इंक्रीज इसलिए हुआ, ये इंक्रीज किसने किया? इनसाइड के प्रेशर ने किया। देखो कहानी कुछ ऐसी है, मान लो इनसाइड का प्रेशर नहीं है, मान लो इनसाइड का कोई प्रेशर नहीं, दो मिनट के लिए मान लो, तो बबल क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। क्यों छोटा होगा? क्योंकि बाहर से सरफेस टेंशन एक्ट कर रही है, एटमोस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है, उसको छोटा कर देंगे। मान लो कि उन्होंने मिलकर बबल को छोटा कर दिया बाय डेल्टा आर, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि अंदर का प्रेशर ऐसा होने नहीं देगा। जो इनसाइड का प्रेशर अब मान लो है, पहले मैंने क्या कहा था, मान लो नहीं है, अगर नहीं है तो बबल क्या हो जाएगा? छोटा। लेकिन अगर वो है तो बबल छोटा हो नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि उस केस में इनसाइड का प्रेशर उसको छोटा होने नहीं देगा, ठीक है। यहां तक इन शॉर्ट एक ऐसा पॉइंट आ गया, या इसको ऐसे समझ सकते हैं, और भी आसान तरीका है। मान लो एक बबल था जिसका रेडियस आर था। आप ऐसे इमेजिन कर लो कि बबल डेल्टा आर छोटा हो गया, होने दो छोटा, कोई बात नहीं, हो गया। डेल्टा आर से ज्यादा छोटा वो हो नहीं पाएगा क्योंकि उसी टाइम उसमें डेवलप हो गया इनसाइड प्रेशर पी आई, ठीक है। तो देयर इज डिक्रीज इन एरिया, उस केस में एरिया डिक्रीज हो गया, तो उस केस में प्रेशर डिफरेंस कितना एक्ट कर रहा है? पी आई माइनस पी नॉट। दो प्रेशर एक्ट कर रहे हैं, एक पी आई प्रेशर यानी कि इनसाइड का प्रेशर है, और एक आउटसाइड का प्रेशर है। और कितने एरिया के ऊपर एक्ट कर रहे हैं? 4 पाई आर स्क्वायर। मान लो आपका जो भी रेडियस था आर प्लस डेल्टा आर, उससे आपने रेडियस को क्या कर दिया? आर कर दिया। मान लो आपका बबल का पहले रेडियस बड़ा था और इन प्रेशर डिफरेंस ने मिलकर क्या किया? उनको छोटा कर दिया। एटमोस्फेरिक प्रेशर ने थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश की। तो प्रेशर डिफरेंस कितने? पी आई माइनस पी नॉट। यहां तक क्लियर है? अब इसके अंदर मैं आपको दो तरीके से समझाऊंगा, मतलब इसकी जो जस्टिफिकेशन है वो इंक्रीज के साथ भी हो सकती है और वो डिक्रीज के साथ भी। दो सिनेरियोस इमेजिन करेंगे, पहले एक लेके चलते हैं। अगर मैं ये बोलता हूं कि प्रेशर डिफरेंस ने रेडियस चेंज कर दिया बाय डेल्टा आर, तो कितनी फोर्स लग रही है इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से? प्रेशर डिफरेंस इंटू एरिया। और वर्क डन कितना हो रहा है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? वर्क डन। तो इस प्रेशर डिफरेंस ने कितना वर्क डन किया? इस प्रेशर डिफरेंस ने इतना वर्क डन किया, ये फोर्स है। और फोर्स को किससे मल्टीप्लाई कर लिया आपने? डिस्प्लेसमेंट। और आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो चुकी है? आर से आर प्लस डेल्टा आर। तो आर प्लस डेल्टा और आर में कितना डिफरेंस है? डेल्टा। क्लियर है यहां तक? ठीक, अच्छी समझ आ रहे हैं यहां तक? मैथमेटिकली समझ आ रहा है। इसको थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, मेरे ख्याल से इसमें कंफ्यूजन होगी कि ये इंक्रीज और डिक्रीज में क्या चक्कर है। देखो इसको कैसे समझेंगे, सपोज करो एक मिनट के लिए एक बबल बना। बबल जब बना बाहर का प्रेशर पी नॉट था 8, मान न्यूमेरिकल वैल्यू से ज्यादा समझ आएगा 8। इनसाइड का प्रेशर था 10, इनसाइड का प्रेशर में ज्यादा होता है आउटसाइड से, तभी तो हम क्या निकाल रहे हैं? पी आई माइनस पी नॉट। ज्यादा क्लियर है? तो कितना ज्यादा है पी आई माइनस पी नॉट? कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। अभी सरफेस टेंशन है नहीं, मान लो कोई सरफेस टेंशन नहीं है, ज्यादा क्लियर है? तो अगर ये नहीं है तो मुझे एक चीज बताओ, बबल का रेडियस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, सही है। और कितना इंक्रीज हो गया? बाय डेल्टा आर, सही है ना यहां तक? और अगर ऐसा हुआ तो उस केस में ये तो इंक्रीज होता ही जाएगा, इनसाइड का प्रेशर आउटसाइड के प्रेशर तक जब तक इक्वल नहीं होता। पर मैंने इसमें जब ये कॉन्सेप्ट यूज किया, मैंने एक चीज की बात नहीं की, सरफेस
टेंशन की। तो आपकी डेरिवेशन दो पार्ट्स में चल रही है, एक कि सपोज ऐसा होने दो, मान लो दो ही चीजें हैं, एक पी आई है और एक पी नॉट है। तो अगर पी आई और पी नॉट है तो ये दोनों प्रेशर डिफरेंस आउटवर्ड की तरह आउटवर्ड की तरफ एक्ट करेंगे, बिकॉज पी आई इज ग्रेटर देन पी नॉट, ये बबल के रेडियस को बढ़ा देंगे। तभी आपके असाइनमेंट में क्या लिखा हुआ है, रेडियस इंक्रीज बाय डेल्टा आर, क्योंकि अभी हम सिर्फ क्या कंसिडर कर रहे हैं, पी आई माइनस पी नॉट, हमने सरफेस टेंशन की बात नहीं की। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें? अब सपोज करो सरफेस टेंशन ने अपना रोल प्ले करना शुरू कर दिया, ठीक, और मुझे सिर्फ एक चीज बता दो, जो आंसर दो आया वो इस तरफ होगा आउटवर्ड या इनवर्ड? आउटवर्ड होगा, बिकॉज पी आई इज ग्रेटर देन, तो रेड कलर में यानी कि आउटवर्ड होगा। इसको अब मुझे ये भी पता है कि बबल इक्विलिब्रियम में आ जाता है, इक्विलिब्रियम में रुक जाएगा। रोकने के लिए एक और प्रेशर चाहिए जिसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, दो, जिसकी वैल्यू दो होनी चाहिए, और वो दो कौन लगाएगा, सरफेस टेंशन का प्रेशर। कहानी समझ आ गई, हिसाब किताब समझ आ गया कि आउटवर्ड 10 था और इनवर्ड एटमोस्फेरिक 8 था, डिफरेंस 2 था, 2 को बैलेंस करने के लिए सरफेस टेंशन भी है, जो कहां एक्ट करेगी, अंदर की तरफ एक्ट करेगी, जिसकी वैल्यू अगर 2 हो जाए, अगर 2 हो जाए तो 2 2 को कैंसिल कर गया, इक्विलिब्रियम आ गया। और मुझे मालूम है बबल में इक्विलिब्रियम तो आ ही जाता है, इसका मतलब ये सारे प्रेशर आपस में क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को। क्लियर यहां तक? तो सबसे पहले सरफेस टेंशन को बीच में नहीं लेके आते, पहले 10 माइनस 8 कैलकुलेट कर लें, 10 माइनस 8 का मतलब पी आई माइनस पी नॉट। तो जब मैंने पी आई माइनस पी नॉट लिया, इसने कितने एरिया के ऊपर काम किया, 4 पाई आर स्क्वायर, प्रेशर इंटू एरिया क्या होता है, फोर्स, ये फोर्स बबल को बड़ा कर रही है, और कितना बड़ा कर दिया भाई, डेल्टा आर, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये मेरे पास क्या आ गया, वर्क डन, स्मॉल वर्क डन, डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट छोटा है तो वर्क डन भी स्मॉल है। याद है, क्लियर है, ठीक, कोई डाउट किसी को इसमें? तो इतना काम, इतना वर्क डन कर दिया किसने, पी आई माइनस पी नॉट ने। अभी तक मैंने एक फैक्टर नहीं लिया और वो है सरफेस टेंशन। अब करें सरफेस टेंशन, तो देखो इसको संभाल के रखो। अब बात करते हैं, दिस स्मॉल वर्क डन इज डन बाय एक्सेस प्रेशर अगेंस्ट। अब देखो ये एक्सेस प्रेशर क्या कर रहा है, वर्क डन कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है, वर्क डन कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, बाहर की तरफ लगा रहा है, किसके अगेंस्ट लगा रहा है, सरफेस टेंशन क्या चाहती है कि ड्रॉप क्या हो जाए या बबल क्या हो जाए, छोटा हो जाए, ड्रॉप छोटा हो जाए, लेकिन ये प्रेशर क्या चाहता है कि ड्रॉप बड़ा हो जाए, तो ये अगेंस्ट वर्क डन लगा रहा है, अगेंस्ट दी वर्क डन बाय सरफेस टेंशन। तो दिस एक्सेस प्रेशर, दिस वर्क इज डन बाय एक्सेस प्रेशर अगेंस्ट फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन एंड इज स्टोर्ड इनसाइड अ ड्रॉप इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एनर्जी डेल्टा यू। कहने का मतलब कि जो सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स होगी, मैं उस फोर्स से वर्क डन निकालूंगा, वो वर्क डन क्या करेगा, इस पी आई माइनस पी नॉट के वर्क डन को अपोज करेगा। मान लो आपने बबल बनाया, आप मेरे पास आ गए, आपने कहा कि पी आई माइनस पी नॉट से बबल बड़ा हो गया, इसको रोको, ऐसे तो बड़ा होता जाएगा, तो मेरा नाम सरफेस टेंशन है, मैं आ गया, तो मैं क्या लगाऊंगा, वर्क डन कर दूंगा, उसको बड़ा नहीं होने दूंगा। तो मैं वर्क डन क्या कर रहा हूं, अगेंस्ट पी आई माइनस पी नॉट, पर पी आई माइनस पी नॉट तो प्रेशर है, और मैं क्या कर रहा हूं, वर्क डन कर रहा हूं, तो मेरे वर्क डन को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा या तो प्रेशर में, या आपके प्रेशर को कन्वर्ट करना पड़ेगा वर्क। तो हमने उल्टा कर लिया ना, आपके प्रेशर डिफरेंस को मैंने किसमें कन्वर्ट कर लिया था, वर्क डन में, और मैं अब क्या करूंगा, इतना ही वर्क डन निकालूंगा, लेकिन ये वर्क डन कौन करेगा, सरफेस टेंशन, जिसका फॉर्मूला आपको आता है कि वर्क डन या एनर्जी अपॉन इंक्रीज इन एरिया इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी। अभी हमने टॉपिक किया था, तो डेल्टा यू को क्या लिख सकते हैं, सरफेस टेंशन इंटू इंक्रीज इन सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया कितना इंक्रीज हुआ, पहले कितना था 4 पाई आर स्क्वायर, अब कितना हो गया 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर। स्टेप समझ आया, दिस इज इंक्रीज इन एरिया, और लेट से सरफेस टेंशन कितनी है इस ड्रॉप की, टी, ये क्लियर है। तो मैंने क्या किया, इतना वर्क डन किया डेल्टा, क्लियर,
एक वर्क डन कौन कर रहा है, प्रेशर डिफरेंस, एक वर्क डन कौन कर रहा है, सरफेस एनर्जी, और दोनों इक्वेट कर दें। क्लियर यहां तक? तो इसमें इधर देखो आगे लास्ट स्टेप है, इसको ओपन कर लेते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी, ये वैल्यू आ गई, ये टर्म इससे क्या हो गई कैंसल, डेल्टा आर स्मॉल होता है, डेल्टा आर का स्क्वायर बहुत बहुत क्या हो जाएगा स्मॉल, तो कैन बी नेग्लेक्टेड, डेल्टा आर मीन्स 0.00001 बहुत छोटा, तो इसका स्क्वायर इज वेरी 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 स्मॉल, इसको निग्लेक्ट कर दिया, जब निग्लेक्ट किया तो डेल्टा यू की वैल्यू आ गई टी इंटू वट 8πr इंटू डेल्टा आर, ठीक हो गया। ये वर्क डन किसने किया, सरफेस टेंशन ने किया, और वो वर्क डन किसने किया था, प्रेशर डिफरेंस ने, और दोनों को क्या करना चाहिए इक्वेट, तो मैं इसको इक्वेट करता हूं, मैंने इसको इक्वेट कर दिया, वर्क डन बाय प्रेशर, वर्क डन बाय सरफेस टेंशन, इक्वेट किया, तो यहां से पाई कैंसल, फोर से ये भी कैंसल टू आ गया, डेल्टा आर से डेल्टा आर कैंसल, आंसर आ गया 2t/r, ठीक यहां तक? तो एक्सेस प्रेशर लिक्विड ड्रॉप में क्या होता है 2t/r, ये याद रखना, जितना बड़ा रेडियस होगा उस हिसाब से प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, बड़ा रेडियस प्रेशर कम हो जाएगा, छोटा रेडियस प्रेशर बढ़ जाएगा, याद है, क्लियर है, ठीक है ना, ये बैलेंसिंग पॉइंट समझ आ रहा है ना कि बैलेंसिंग कैसे हो रही है। अब जो काम ड्रॉप में कर रहे हैं वो ड्रॉप बबल, वो काम बबल में भी है, कैसे, कुछ नहीं करना, एग्जैक्टली सेम डेरिवेशन है, प्रेशर डिफरेंस वर्क डन करेगा, सेम वर्क डन करेगा, डेल्टा डब्ल्यू तक सब कुछ सेम है, लेकिन जहां डेल्टा यू है सेम डेरिवेशन है, डेल्टा यू के अंदर क्या आ रही है सरफेस टेंशन, और बबल के अंदर कितनी सरफेस टेंशन होती है, दो, एक नहीं दो, तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी डबल, टी को डबल करोगे तो बबल के अंदर एनर्जी भी डबल, टू से मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी कॉन्सेप्ट सेम है कि प्रेशर डिफरेंस का वर्क डन और एनर्जी का वर्क डन सेम, सरफेस टेंशन का वर्क डन और प्रेशर का वर्क डन सेम, इक्वेट करो तो ठीक है आंसर भी टू का फर्क आएगा, जहां 2t/r है वहां 40t/r आ गया, बल्कि स्टेप नोट कर लो, वहां स्टार लगा लेना जहां टू लगाया हुआ है, जहां हमने टू लगाया हुआ है पहले, तो वहां पर आपने क्या लगा देना है, पीछे ड्रॉप के अंदर टू नहीं है, बबल के अंदर टू लग जाएगा, समझ में आ रहा है, अच्छा। फ्री सर्फेस का मैंने बताया था, वैसे आपके बैच में बताया, अगर एक ड्रॉप है, ड्रॉप के अंदर वाटर ही वाटर है, अंदर सरफेस टेंशन होती नहीं, सरफेस टेंशन सिर्फ बाहरी बाहर है, अगर आप बबल की बात करते हो तो बबल के केस में अंदर भी एयर है और बाहर भी एयर है, तो अंदर भी सरफेस टेंशन है, बाहर भी सरफेस टेंशन है, ठीक। अगर सपोज करो एक बबल है, सपोज एक बबल है, अंदर एयर है, और बबल किस में है, पानी में गिर दिया, वाटर में है, तो सरफेस टेंशन सिर्फ एक होगी, दो नहीं होगी, अब ये चीज क्लियर है। तो कई क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें बबल वाटर में है, तो उसमें टूटी नहीं लेना, उसमें सिर्फ टी लेना। नेक्स्ट जो टॉपिक है कैपिलैरिटी, ठीक, कैपिलैरिटी एक्शन तो बड़ा फेमस एक्शन है, छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है, एक ट्यूब को पानी में डालो, पानी का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, दिस इज नोन एज अ कैपिलरी एक्शन, अपने आप पानी चढ़ना शुरू कर देता है, कैपिलरी एक्शन। लेकिन उसको स्टडी करने से पहले आपको एक टॉपिक पढ़ना है जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। देखो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है, इसकी डेफिनेशन है, क्या डेफिनेशन है, देखो इसकी डेफिनेशन है कि सपोज एक कंटेनर है, इस कंटेनर में एक ट्यूब है, ट्यूब है, और ये ट्यूब बहुत पतली होती है, और सपोज ये मेनिस्कस ऑफ लिक्विड है, मेनिस्कस सीधा नहीं है, मेनिस्कस थोड़ा कंकेव टाइप है, गिरा ऐसे, ठीक है, नॉर्मल वाटर है, ध्यान से देखना, इस पॉइंट पर
अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं या इस पॉइंट पर अगर मैं सरफेस टेंशन का वेक्टर ड्रॉ करूं तो सरफेस टेंशन का वेक्टर नीचे बनेगा, टेंजेंट बनेगा। तो ये वेक्टर ने, इस वेक्टर ने, किस वेक्टर ने, जो पानी की सरफेस के अलोंग वेक्टर चल रहा है, उसने इस ट्यूब के साथ जो एंगल बनाया, मींस इस ट्यूब के साथ, ये आपकी सॉलिड ट्यूब है, ये आपका वाटर का मेनिस्कस है, इसके साथ जो एंगल बनाया थीटा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। तो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट है, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट वो एंगल है जो लिक्विड की सरफेस के ऊपर जो टेंजेंट बनेगा एंड सॉलिड की जो सरफेस है, जो सॉलिड की सरफेस है, इनके बीच में जो एंगल बना उसको बोलते हैं एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। अब लिक्विड का मेनिस्कस जिस शेप में होगा, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट डिफर करेगा जैसे जैसे मेनिस्कस क्या होगा, डिफरेंट होगा। यहां तक क्लियर है? अगर मेनिस्कस ऐसा नहीं है, अगर मान लो मेनिस्कस ऐसा है मरकरी की तरह, ये मरकरी का मेनिस्कस है, ठीक, उस केस में टेंजेंट ऊपर जाएगा, और अगर टेंजेंट ऊपर जाएगा तो सॉलिड के साथ उसने जो एंगल बनाया दैट इज ग्रेटर देन 90। तो मरकरी के केस में ये एंगल इज ग्रेटर देन 90, और नॉर्मल वाटर के केस में दिस एंगल इज लेस देन 90। यहां तक क्लियर है? एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट क्लियर है? दिस इज एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। अब जो नेक्स्ट एक्शन है जिसको कैपिलरी एक्शन बोलते हैं और एसेंट फॉर्मूला बोलते हैं, उसमें हमने स्टडी क्या करना है, उसमें ये स्टडी करना है कि अगर मैं एक लिक्विड को ट्यूब में डालूं, वो लिक्विड लेवल राइज कर गया, कितना लेवल राइज कर गया, एच डिस्टेंस राइज कर गया, तो एच की वैल्यू कितनी होगी लिक्विड के केस में, वो मुझे सॉल्व करना है। अबाउट 20-25 मिनट्स लगेंगे, नेक्स्ट टाइम तो उसको नेक्स्ट टाइम सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक जाने से पहले सुनो, अमन धीमन रुक के जाना, गरिमा नहीं आई, मनु दो मिनट रुक के जाना, क्लास तो नहीं इसके बाद, मोहित सिंगला, रिदम, रजत विजय, रजत विजय रुकना, और भूमिका, भूमिका दो मिनट रुको। ओके, आखिरी चीज, रुको रुको एक मिनट रुको,